प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बचे हैं। प्रदेश में इसका साफ असर भी नजर आने लगा है। जनता का भरोसा जीतने और जातीय व क्षेत्रीय समीकरण बनाने में भी सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं। क्षेत्रीय समीकरण को सुधारने के लिए सभी दल मैदान में कूद पड़े हैं। लगातार सक्रिय चल रही सभी दलों की चुनावी रैली भी जोरों शोरों से जारी है। भाजपा, कांग्रेस, सपा सहित छोटे दल चुनावी मैदान में अपनी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं। चुनाव को लेकर जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए प्राइम टीवी की टीम भी मैदान में आ गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। 2022 का चुनाव नजदीक है। सभी राजनीतिक पार्टियां आम जनता के बीच जाकर सत्ता की चाबी हथियाने का रास्ता तलाश रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं अलीगढ़ में। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है। सर, किसको वोट करेंगे इस बार आप? सर, मैं वोट ही नहीं देता हूं किसी को जब से मोदी आया है। रीजन क्या रहा सर, क्या मुद्दा रहा जो आप वोट नहीं करते? कोई फायदा नहीं मिला जी। क्या फायदा नहीं मिला, क्या चाहते हैं आप? हमें अपने कामों से फुर्सत नहीं है। ये सर, वोट के लिए तो उस दिन छुट्टी होती है और आप वोट तो कर सकते हैं। कहाँ छुट्टी होती है, मार्केट वाले देते ही नहीं। किसको वोट करेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा रहेगा महंगाई कम हो और थोड़ा सा पब्लिक को राहत मिले उस चीज़ के लिए। बाकी वोट का बात रही तो मैं सोचूंगा बीजेपी को वोट दूँ, मोदी की सरकार को वोट दूँ। काफ़ी आने से थोड़ा सा बेहतर हुआ है और दूसरी बात जो हमारा शहर है वो थोड़ा सा साफ सुथरा रहा है उसके आने से। बाकी मैं बीजेपी को वोट देना चाहूँगा। मेरा नाम इकरार है। किसको वोट करेंगे इस बार, क्या मुद्दा रहेगा? वोट सपा को जाएगा। महंगाई बहुत है बीजेपी के राज में, महामारी ज़्यादा हुई है, पब्लिक परेशान है, काम धंधे को लेकर के ज़्यादा दिक्कत है, इसीलिए इसके कारण पब्लिक ज़्यादा खिलाफ हो चुकी है। नितिन कुमार है। किसको वोट करेंगे सर इस बार? वोट ऑब्वियसली जाएगा बीजेपी को। और रही बची बात जो ये महंगाई की बात है, तो महंगाई का ऐसा है कि साल दर साल महंगाई बढ़ेगी। अगर आप तरक्की चाहते हैं तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑब्वियसली हम लोग ये चाहते हैं हमारे हाथ में सोने का कटोरा हो, लेकिन हम ये नहीं सोचेंगे कि सोने के कटोरे को इस्तेमाल कैसे करना है, हम ये सोचेंगे उससे मांगनी है। क्या मुद्दा रहेगा इसका, आप बीजेपी को वोट करेंगे? देखिए, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए, फर्स्ट नोटबंदी, सेकंड उसके बाद में आपका लॉकडाउन, जो कोई सरकार नहीं कर सकती थी, इम्पॉसिबल था जिसके लिए। थर्ड आप ये मान लीजिए अभी इन्होंने ये करा है, उसके बाद में इन्होंने रोड्स बनवाए हैं, बहुत बड़े बड़े इन्होंने फैसले लिए जो कि किसी सरकार के बस में नहीं था। तो ऑब्वियसली वोट बीजेपी को ही जाएगा, ना किसी और को नहीं जाएगा। सर, क्या मुद्दा रहेगा, किसको वोट करेंगे इस बार? सपा को ही वोट जाएगा, क्योंकि छोटे बिजनेस अगर देखे जाए ना तो वो तो ख़त्म हो चुके हैं बिल्कुल, सिर्फ ओनली बड़े बिजनेस रह गए हैं, छोटा बिजनेस वाला आज ख़त्म है। क्या क्या परेशानियों सामना करना पड़ा है? परेशानियाँ क्या, पेट्रोल ले लीजिए आप, आज गाड़ी तो हर आदमी चलाता है, पेट्रोल के दाम देख लीजिए। आज बहुत सी लेबर ऐसी है हमारे यहाँ कि जो गाड़ी से आती थी आज वो पैदल आती है, वो नहीं अफॉर्ड कर पा रही। किस चीज़ का काम है आपका? मैं यहाँ काम करता हूँ कोहिनूर पे जी। तो बहुत से लोग ऐसे जो आज जो छोटे बिजनेस के थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और बड़े बिजनेस वालों को टेंशन है नहीं किसी चीज़ की, छोटा बिजनेस वाला थोड़ा सा लगाता है उसी से कमाना चाहता है। मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? एक नया हो, एक नया भविष्य हो, नए युवा हो, समझे, जैसे कि प्रमोद तिवारी जी हैं उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रियंका गांधी हैं, हम इन्हें देखना चाहते हैं। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास तो देखिए होता है, होता रहा है, होता रहेगा। आगामी सरकार में विकास होगा या इस सरकार ने विकास किया है? नहीं, विकास तो इस सरकार में भी हुआ है, आगामी जो सरकार बनेगी वो भी करेगी। जी तो चलती आ रही है, जो पिछले जो बनाए हुए हैं, क्या नाम है, ये जो रखे हुए हैं वो ही चले आ रहे हैं अभी तक, पिछली सरकारों के अभी तक कोई ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिस सरकार में के ये हुआ है। सरकारी सुविधाओं का लाभ मिला है आपको? सरकारी सुविधाओं का लाभ सन 2013 में खाद्य सुरक्षा बिल पास हुआ था, वो आज तक गरीबों को मिल रहा राशन। क्या मौजूदा सरकार के वादों पर अपने उतर रही है वो? नहीं उतर पाई। कौन सी सरकार पर उतर कर आई है बताइए आप, कौन सा वादा उन्होंने पूरे कर दिए हैं? क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी को? क्या मैसेज है, जैसी है पब्लिक, गरीब घर तो गरीब तो गरीब होता जा रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ गई, खाद्य सुरक्षा की सभी कीमतें बढ़ती चली जा रही है, कोई देखभाल कोई नहीं है, कोई इस सरकार में कहाँ है। और ये गवर्नमेंट जो है महंगाई बहुत हो रही है अभी,
और आपस में नफरत भी बहुत फैल रही है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। तो ऐसा कोई शासक आए जो प्यार मोहब्बत से सबको सब उसके शासन में रहने पाए। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अभी तो क्या हो रहा है, अभी तो सिर्फ उद्घाटन हो रहे हैं, चुनाव आदि उद्घाटन चालू हो गए हैं, अभी कुछ ठोस नहीं हुआ है। तो ठोस नहीं हुआ है, विकास के नाम पर बस पोस्टर चल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो यही है, कुछ काम इस सरकार के अच्छे हैं, लेकिन डेफिनेटली एक मौका अखिलेश यादव को दोबारा देना चाहिए। सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है, क्या उसको उसका फ़ायदा मिला आपको? सुविधाएं का फ़ायदा तो मिल रहा है लोगों को, जो राशन का जो इनका प्रावधान है वो पहले भी था, वो अभी भी है। बस ये इन लोगों ने क्या किया, उसको थोड़ा मॉडिफाई करके और थोड़ा एडवर्टाइज कर दिया है। पहले भी था, शुरू से था, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें हमेशा से थी भारत के अंदर। सब लगातार सारी आगामी सरकार सबको लॉलीपॉप दे रही है, क्या आपको लगता है जमीनी स्तर पर कार्रवाई होगी? होनी चाहिए। आगे लास्ट टेन्योर में जो जितने बस अड्डों का जो निर्माण हुआ या सड़कें बनी है वो अखिलेश यादव के टाइम में बनी है। और मेरा कोई ऐसा कोई फेवरेट मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, बट हाँ मैं एक आम नागरिक हूँ, तो जो फर्क एक आम नागरिक की नज़रों से मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ को तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी मतलब नया मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस से हो, किसी से भी हो, उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि जो भी सरकार आती है वो वादे देती है उसमें पूरा नहीं करती है। पर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास, मुझे तो ऐसा कोई भी विकास दिखाई नहीं दिया है अभी। वैकेंसी वगैरह, जॉब वगैरह? जॉब तो आपके पढ़ने के ऊपर है, जो आपकी मतलब जितनी मेहनत करोगे उसके हिसाब से जॉब लगती है। और हाँ, वैकेंसी कम निकल रही है आज के टाइम पे। सर आपका अजय गोस्वामी, 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? आदित्यनाथ, योगी। क्या रीजन रहेगा, क्या मुद्दा रहेगा जो आप उनको? उनकी ऑनेस्टली ईमानदारी और ये सब जो माहौल है इन्होंने जो बनाया ईमानदारी के हिसाब से, और एक तरह का मान लीजिए करप्शन के बारे में और जो कोरोना चला है इसके बारे में इन्होंने बहुत सारे कॉपेट किया है इस मामले में भी। विकास के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे आप? विकास के मुद्दे पे भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, इन्होंने जो एक तरह के मान लीजिए जो ये इलेक्शन हो रहे हैं मतलब ऐसे ही शिक्षा के मामले में तो सब मामले ऐसे ही है, लेकिन फिर उन्होंने बहुत कॉपेट किया है इन्होंने। क्या नाम है? 2022 के चुनाव में किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? योगी आदित्यनाथ। क्या मुद्दा रहेगा सर? मुद्दा यही है कि भर्ती वगैरह निकाला है, वित्तीय जो छात्रों की छात्रों के लिए नौकरी वगैरह निकाली है, क्या कहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी भर्ती निकाल रही है इसके शासनकाल में, काफ़ी भर्ती निकली है। विकास के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? विकास भी अच्छा खासा बहुत अच्छा हुआ है, जैसे रोड वगैरह भी जो सब सुविधा है बड़ी अच्छी तरह से किया है। मतलब आप ये चाहते हैं योगी जी ही मुख्यमंत्री बने दोबारा? योगी जी आ चौहान। 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी जी को सर। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा सर आपका? यही बढ़िया काम और अच्छा विकास, बहुत सारी भर्तियां, और जैसे और भी कोई मुद्दा? चलिए कोई बात नहीं। विकास सर, 2022 का चुनाव पास है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? प्रियंका गांधी, उसके बाद अखिलेश यादव। तो सर क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा क्या है, नौकरियाँ ख़त्म हो गई, अब हम लोग हैं बेरोजगार, घूम रहे हैं इधर उधर और ठेला लगा रहे हैं, कोई मूँगफली बेच रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, और आर्थिक स्थिति जो है इस समय, हाँ बेरोजगारी तो खैर पूरी तरीके से 110% है, और भी काफ़ी मुद्दे हैं, जैसे कि हमको जो वादे करे गए वो पूरे नहीं किए गए, हमने भरोसा करा था मोदी जी पे और योगी जी पे। जैसे कि क्या क्या वादा रहा जो उन्होंने पूरा? पहला तो 15 लाख, अगर आज भी सबके अकाउंट में आ जाए तो शायद आँख बंद करके लोग बीजेपी पे वोट डाल देंगे। 15 लाख की तो छोड़ो, रोजगार बेच कोई काम नहीं है, बेरोजगार है बिल्कुल। सर कोरोना से भी कोई फर्क पड़ा है क्या? कोरोना से बहुत फर्क पड़ा है, गरीब आदमी मरे, हम लोग वकील खोंचे वाले, बताओ काम से ही बहुत परेशानी है, बताओ, इसलिए बीजेपी से अब इच्छा भर गई। आपका मुद्दा सर विशेष क्या रहेगा? विशेष क्या है कि नौजवानों को मिलना चाहिए काम, और बेरोजगारी बहुत है। योगी सरकार में विकास हुआ है या नहीं हुआ है? अरे विकास तो हुआ है, मगर ये है कि बेरोजगार तो मर रहा है। बेरोजगारी किससे? जैसे आप क्या काम करते थे उसमें काम आगे मतलब आगे बढ़े या पीछे हटे, क्या रहा?
पीछे ही हटे हैं हम, कौन सा आगे बढ़े हैं। गरीब आदमी कभी पीछे ही नीचे ही गिरता है, क्या करा जाए भैया। महेंद्र कुमार, 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ। क्या मुद्दा रहेगा सर? हमें बस और कुछ नहीं चाहिए, जॉब चाहिए। जॉब के पीछे पड़े अभी तक, जॉब चाहिए हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, जॉब तो योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत सारी जॉबें निकाली हैं, क्या आपको उस जॉब का फायदा मिला या नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला, लेकिन अब नखलू जा रहे हैं एस आई का पेपर देने, भर्ती बहुत निकल रही है, पेपर दे रहे हैं, अभी सक्सेस नहीं हुआ कहीं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम मदन कुमार है। जी सर, जैसे सरकार की बात कर रहे हैं कि बीजेपी ने ये किया ये किया, मैं कह रहा हूँ बीजेपी से अच्छी नहीं है। पहले इतनी धालेबाजी होती थी, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, छोटे बच्चे प्राइमरी वाले, उनके पैसे आते थे स्कूल में ड्रेस के, टीचरों पे आते थे और लोगों पे आते थे, वो आधे में अधवर आते थे, अब उनके अकाउंट में सीधे ही जा रहे हैं, इससे ये फायदा है पहली बात तो। मतलब आपका कहने का मतलब है योगी सरकार में विकास हुआ है? विकास हुआ है सर। विकास के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे विस्तार में? जी, जैसे विकास ये मानते हैं, जैसे आप बता रहे हैं बेरोजगारी, कोरोना वाली बता दूं मैं, अब हम जीवित ही रहे थे तो ये हम करते क्या काम, बेरोजगारी बेरोजगारी। आपको इतने दिन से राशन फ्री मिल रहा है, काफ़ी राशन फ्री मिल रहा, किसी और सरकार में फ्री मिला नहीं मिला ना? सरकार ने बहुत सारी सुविधाओं का सब हर जनता को लाभ दिया है, वो लाभ आपको मिला है क्या? जी सर, हमें लाभ मिला है। अब जिसमें काबिलियत है वो तो नौकरी लेगा सर। अभी हम प्रैक्टिस जारी है, हम कोशिश कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, दे चुके हैं और एग्जाम देने जा रहे हैं सर। इस सरकार से हमें फ़ायदा है और वेकेंसी अच्छी निकल रही है, कहते हैं और सरकार में आती क्लियर भी नहीं हो पाती, इसमें क्लियर भी हो रही है। महंगाई के मुद्दे पर क्या कहना है आपका? सर महंगाई तो अब देखते हैं, महंगाई तो पिछले भी थी, महंगाई बढ़ी है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इतनी नहीं है सर, महंगाई है, लेकिन महंगाई बढ़ी है, उसके साथ वेतन भी थोड़ा बढ़ा है सर। आपका कहने का मतलब है आप योगी सरकार को दोबारा रिपीट देखना चाहते हैं? सर दोबारा आनी चाहिए, इससे ऐसी सरकार अच्छी सरकार है, इससे दोबारा से रिपीट करना चाहते हैं सर, यही सरकार नहीं चाहिए, आनी चाहिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? कोई भी हो साहब मंत्री। नहीं, कोई भी हो मंत्री, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? कैसा वोट दोगे? मोदी को। मोदी को। महंगाई के मुद्दे से कुछ कहना चाहते हैं आप? मैम महंगाई तो है ही है साहब, महंगाई तो महंगाई है साहब, हमें गरीब आदमी को धंधा देना चाहिए। तो बेरोजगारी बढ़ी है या घटी है मोदी सरकार में? बढ़ी है साहब, कोई भूखा नहीं मारा उनने हमें, राशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें बढ़ी, सब कुछ मिला, आपको सब सुविधाओं का लाभ मिला है? मिला है सब मिला है। 2022 का चुनाव नज़दीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? ऐसा है, देखिए अभी सारे मुख्यमंत्री वादे कर रहे हैं, जो दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद के, योगी आदित्यनाथ हैं और अखिलेश यादव हैं, केजरीवाल हैं, वो अभी सब एक तरीके से वादे कर रहे हैं, लेकिन जो वादे पे खरा उतरेगा जनता उसको वोट देगी। नहीं, महंगाई के मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं आप? महंगाई पे मुद्दे पे ये है कि इस टाइम महंगाई बहुत ज़्यादा ही है, जो पहले कभी किसी राज में नहीं रही, इस बार इस टाइम जो वक्त जो महंगाई है बहुत ज़्यादा ही है, तो उस हिसाब से कि लगता है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार मुश्किल से ही आ पाएगी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि योगी सरकार ने बहुत सारी वैकेंसी वगैरह निकाली है स्टूडेंट वगैरह को, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब ये है कि वैकेंसी निकाली है, उसमें नंबर आप आए तब ना, अभी आप देख रहे हैं सारे बच्चे टेस्ट देने आ रहे हैं, UPSI का हमारा एग्जाम है, हम लखनऊ देने जा रहे हैं, हमारे अगर उनको इतनी चिंता होती तो वो हमारे अलीगढ़ के ही सेंटर में सेंटर डाल देते, अलीगढ़ भी सेंटर, आप हमको इतने पैसे खर्च करके वहाँ जा रहे हैं, उसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है, टिकट भी हमारी बुक नहीं हो पा रही, इस तरीके से अब ये तो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे आप? विकास के मुद्दे पे ये है कि अब जैसे कि मैं अपने यहाँ के स्तर के बात पर बात करूँ, जैसे कि मेरे यहाँ अब बरौली विधानसभा है, तो वहाँ हमारे ठाकुर माननीय जयवीर सिंह जी हैं, उन्होंने काफ़ी किया, और इस वक्त जो हैं ठाकुर दलवीर सिंह जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी वो किया है, विकास किया है, तो वो भी दोनों BJP के ही हैं और अच्छे उम्मीदवार हैं वो, इस तरीके से MLC वगैरह होते हैं। सारी सरकारी सुविधाओं का आपको लाभ मिला है सर, राशन वगैरह है, सब कुछ मिल रहा है आपको? हाँ, राशन वगैरह सरकार दे रही है, ये मानना पड़ेगा, ये तो दे रही है सरकार, वो हर गरीब वर्ग के हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस हाँ इस कार्य पे तो सरकार से कह सकते हैं कि अच्छा काम कर रही है, लेकिन विकास के मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे कि नहीं ये विकास सिर्फ उनके दावी किताबी वादे हैं उनके, सिर्फ वो जो धरातल पे है, जो ग्राउंड पे है, वो आपको विकास देखने को नहीं मिले। नहीं नहीं, सरकार इतने वादे कर रही है, लॉलीपॉप दे रही है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? लॉलीपॉप तो सबका ले लॉलीपॉप लेके खाना है, उसके बाद देखेंगे फिर
बाद में पैसे कौन मांगता है उस लॉलीपॉप ये सिर्फ बातें कागजों पर ही है या आगे जमीनी स्तर पे कार्रवाई होगी? अब ये तो अब जो सरकार आएगी उस वक्त देखेंगे, अगर वो सरकार नहीं आई तो फिर अगला 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। अब ये चार भर्ती जो निकल रही है, आप जैसे कह रहे थे इस ये सरकार में भर्ती निकल रही है, ये 4 साल के बाद इस बार भर्ती निकली है, तो आप कहाँ से उम्मीद कर लेंगे किसी सरकार से कि वो हर साल आपके लिए रोजगार लेके आएगी? इस साल तो रोजगार ज़्यादा ही बढ़ गया है, हंगर इंडेक्स में देख लीजिए आप। अब वादे तो कर रहे हैं कि हाँ घर घर को राशन मिल रहा है, इसमें कुछ और दो राय नहीं है कि राशन नहीं मिल रहा, लेकिन आप हंगर इंडेक्स में देखिए आज इंडिया पाकिस्तान से पीछे है। थैंक यू सर। 2022 का चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? हम इसका चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? अखिलेश से देखना चाह रहे हैं, अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश बढ़िया आदमी है, बढ़िया काम करते हैं और ये तो बेकार आदमी। क्या मुद्दा रहेगा जिस पे आप अखिलेश यादव को पार्टी में लाना चाहते हैं? बढ़िया काम करते हैं, अरे गरीबों के हितैषी हैं। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? कहाँ पहुँचा दिया तेल, कहाँ पहुँचा दिया, क्या करे आदमी, क्या खाए, मजदूरी वही है, गरीब मर रहा है। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं आप? विकास में कहा गए, बोलो जी प्रधान जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम श्री मीना। 2022 का चुनाव नजदीक है, किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं आप? अरे एक बात बताइए, जो गरीबों के हित में जो काम कर रहा है वही सरकार अच्छी है। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं? विकास के मुद्दे पर मान लीजिए ये यूपी सरकार और जो केंद्र सरकार गरीबों के जो है आवास दे रही है, उसको 1,20,000 रुपये का एस्टिमेट दे रही है, और अखिलेश ने जो बनवाए थे 3.5 लाख रुपये का आवास बनवाया था सभी गरीबों के हित में, इन्होंने तो कोई नहीं कराया गरीबों के हित में। जितनी भी सरकार है, वैक्सीन लगवाई है, जितनी भी सरकार है सबको लॉलीपॉप दे रही है या कुछ जमीनी स्तर पर कार्रवाई कर रही है? ऐसे ही है, सब बोरबट्टी पूरी आ रही है, कचू ना आ रहा हूँ। कोरोना से जो गरीब मर गए, कोई का देख रहा तो ना है, पैसा भाई महंगाई इतनी है कि पैसा भाई ने ब्याज कम में ब्याज दर में कमी आया, कमी दे दी। बीजेपी की सरकार ने जो समझाया वो सबको एक सर में ये कह रहा हूं मैं पूछूंगा। 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? सर हम मुख्यमंत्री के रूप में अपने योगी आदित्यनाथ को देखना चाहेंगे, जो भी उन्होंने आज अपने भारत के लिए किया है ऐसा कोई भी सरकार ने नहीं किया है। एक समान समझाए जिसके लिए समझाए, जो भी कार्रवाई खेती बाड़ी जो भी वैक्सीन वगैरह जो भैया बोल रहे थे सबके लिए क्या है, एक ये ऐसे तो नहीं कि अपोजिट पार्टी वालों के लिए अलग किया होगा या हमारे लिए अलग किया है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी समझा उन्होंने सबको एक समान समझा है। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? विकास के मुद्दे पर ये कहना चाहते हैं हम कि जो पहले विकास था उससे डबल विकास इस मतलब कि इनके उसमें हुआ है वो आज तक कभी नहीं हुआ। नौकरी के लिए क्या कहना चाहेंगे? स्टूडेंट लाइफ में बोलना चाहेंगे कि उन्होंने जो भी कुछ मतलब कि किया है आज तक सबसे ज़्यादा नौकरी इसी में निकली है, और बच्चों की पढ़ाई के लिए मतलब अब तक सबसे ज़्यादा इसी सरकार में मिला है हमें। आपने देखा केंद्र सरकार और स्टेट सरकार आपको राशन बांट रही है, उसका बेनिफिट मिला है? नहीं, बेनिफिट पूरा मिला है जी, मतलब आपको राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है हमें प्रॉपर तरीके से, लॉकडाउन में भी हमें राशन मिला था। जो आगामी सरकार आएगी वो किसको देखना चाहेंगे आप? हम तो बीजेपी को देखना चाहेंगे, उससे ज़्यादा और किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। थैंक यू। चुनाव नजदीक है, आप किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव को देखना चाहूंगा, और ये चोर सरकार जो चल रही है अभी इस टाइम, ये सबसे बड़ी चोर सरकार है और इसे हटाना चाहेंगे। विकास के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? विकास आप लोगों को दिख रहा होगा और जनता को भी दिख रहा है, विकास अखिलेश ने जो विकास किया था उसके सामने बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया है। भैया ये बोल रहे थे कि अखिलेश की सरकार मतलब कि ये सरकार मतलब चोर है या वो है, तो ये बताइए कि चोर सरकार है तो अखिलेश सरकार ने परसेंट पे भर्ती निकाली थी तो उनमें पढ़ने वाले बच्चों का तो कुछ हुआ नहीं, जो पढ़ने वाले थे वो तो रह गए, जो बहुत रहे हैं जैसे कि हाई स्कूल या इंटर करने के बाद परसेंट उनकी नहीं बन पाती है, वो आगे बहुत काफ़ी सारी मेहनत करते हैं तो वो तो रह गए। इस सरकार ने पढ़ने वाला क्यों रह जाएगा? तुम बताओ, इस सरकार में कोई नहीं रहा ना, जितने पढ़ने वाले बच्चे जितने वर भी हैं सब लगे हैं, जिनने मेहनत की है वो लगे हैं। हाँ तो आपको रहेगा नहीं, आम जनता के बीच जाकर हमने सबकी राय ली, अब देखना होगा योगी का फूल खिलेगा या अखिलेश की साइकिल चलेगी। मैं नितेश माहेश्वरी, प्राइम टीवी अलीगढ़। आम जनता की राय आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर जो एक जनता की राय है, आज हम एक मेडिकल स्टोर में जाकर वहाँ पर बैठे हुए कुछ बुज़ुर्गों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार आप बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग होने के साथ में आपकी क्या मानसिकता है, किस कौन होगा 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का मुखिया। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं। बाबा जी नमस्कार। नमस्कार।
हम आपसे आपका नाम जानेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं ये भी जानेंगे। इसके बाद मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जिसमें मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि आखिरकार आगामी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, बताएं। मेरा नाम रविंद्र कुमार मिश्र है। मैं देवरी बुजुर्ग जाफरगंज थाना और फतेहपुर का निवासी हूँ। ये हमारी जो इस समय सरकार चल रही है, इस सरकार की अनेकों उपलब्धियाँ हैं। उन उपलब्धियों का मुझे तो कोई निजी लाभ नहीं मिला, लेकिन हमारे देश की जनता को लाभ मिल रहा है। केवल हम जनता के लाभ से ही प्रसन्न हैं, और अभी हम एक बार भरपूर ये प्रयत्न करेंगे कि आदित्य योगी नाथ ही हमारे आगामी चुनाव के मुखिया होंगे, यही हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपने भी एक बात कही कि जो भारत बीजेपी सरकार में जो उपलब्धियां हुई, उन उपलब्धियों का आपको लाभ नहीं मिला, देश की जनता को लाभ मिला। तो आखिरकार हर व्यक्ति अपनी जनता के साथ अपने खुद को जोड़ता है, जोड़ने के साथ में आपको क्यों नहीं मिला, क्या कारण रहा? मेरे निजी गांव में कुछ संभ्रांत लोगों से मेरी दुश्मनी चलती है, वही लोग गांव के प्रधान हो जाते हैं, वही बीडीसी हो जाते हैं, जिससे आज तक मुझे लैट्रीन तक नहीं मिली, आज तक मेरा राशन कार्ड नहीं बना। केवल मेरे पास आधार कार्ड है, वर्ष में मुझे गवर्नमेंट की ओर से 6,000 रुपये प्राप्त हो जाता है। पर एक चीज जनता के बीच, जनता एक चीज और कह रही है कि बीजेपी ने कई ऐसे वादे किए, जैसे गड्ढा मुक्त सड़कें हो गई, हाईवे का मामला हो गया। तो आज अगर देखा जाए तो यूपी में गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हम गड्ढा मुक्त के विषय में ये बोलेंगे कि हमारी सड़कों में इतने ज़्यादा वाहन चलते हैं, जिससे हमारी सड़कें उखड़ जाती हैं। उन सड़कों का ठेका जिन ठेकेदारों को दिया जाता है, वे पूरे मानक पर सड़कों को तैयार नहीं करते। हमारे देश में जितना भी कर्मचारी और अधिकारी है, वो पूरा का पूरा नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट है। कोई किसी को जीने नहीं देता, जो जहाँ जिसका पाता है उसके अधिकार का वो शोषण करता है। आपने कहा कि इतने ज़्यादा व्हीकल हैं, इससे कि रोड खराब हो जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने एक आरोप लगाया कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि वो ध्यान नहीं देते। तो आखिर सरकार को इसके पर जरूर संवेदनशील होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा कि जो जनता का और सरकार का दोनों का शोषण करने वाले हैं, वो लोग सरकारी जगहों पर अच्छे मानक पर कार्य नहीं करते, और सरकार भी जो है वो अपने अधिकारियों से पूरा का पूरा स्वच्छ काम नहीं ले पाती। सरकार स्वच्छ काम न ले पाने के पीछे कारण क्या है, ये बताएं आप। कारण हमारे अधिकारियों का गद्दार होना है। तो सरकार उन गद्दार अधिकारियों को क्यों नहीं टर्मिनेट करती? अब ये तो इसका जवाब तो सरकार ही देगी कि सरकार जानती है कि ये लोग गद्दार हैं, फिर भी सरकार उनका पालन करती है। सरकार कौन है? सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं ना। अब सरकार बनाते हैं, फिर भी बनाएंगे। बाबा जी, अगला सवाल आपसे ये है कि जनता कह रही है कि हमें जो मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, सरकार जो मुफ्त का खाद्यान्न बांट रही है, उसकी वसूली कैसे होगी? अभी तो जनता को लेने में बड़ा अच्छा लग रहा है, पर वसूली कैसे होगी, इस पर भी थोड़ा प्रकाश डालिए आप। हमारा तो ये मानना है कि सरकार गरीबों को जो अन्न देती है, शायद इसकी वसूली कभी न होगी। गवर्नमेंट इसे माफ़ करेगी, ऐसा नहीं करेगी कि आज फ्री दे रही है और कर जनता पर बोझ डालेगी, ऐसा नहीं करेगी। इसी जगह पर हमें आपसे सवाल फिर टोकेंगे कि जैसे आपने कहा कि इसकी भरपाई की जाएगी या माफ़ कर दिया जाएगा, पर अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि उज्ज्वला जैसी गैस योजनाओं का वितरण करने के बाद आज गरीब जनता उन सिलेंडरों को नहीं भरवा पा रही, उस पर क्या कहेंगे आप?
सिलेंडर महंगे हो गए हैं, महंगाई के कारण जनता नहीं भरवा पा रही। जनता को जैसे शुरू शुरू में फ्री मिल गया, उसी प्रकार से हमारे देश की जनता फ्री की ज्यादा आदी है। ऐसा देखो, इस जनता को फ्री चीज लेने के लिए आदि किसने बनाया? गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट ने, ये जो गांव की गवर्नमेंटें होती हैं, यही लोग जनता को लाभ दिला पाते हैं। गांव के प्रधान वगैरह हैं, बीडीसी हैं, इन्हीं के द्वारा जनता को सुविधाएं मिल पाती हैं। जिनसे ये लोग खिलाफ रहते हैं, विरत रहते हैं, उनको कभी सरकार का कोई भी फायदा नहीं मिल पाता। जी नमस्कार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है, और हम आपसे ये भी जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो आगामी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनमें उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा? राम खतवा, जिला फतेहपुर, रानी सागर नंदापुर निवासी हूँ। हमारा नाम कन्हैया लाल है और सरकार के विषय में तो मैं यही कहूँगा कि इस बार भी योगी सरकार का बहुत अच्छा सा उनका कार्यक्रम रहेगा और फिर उनकी विजय होगी। थोड़ा सा कार्यक्रम का बिगाड़ने के लिए जो छोटे अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर के, वो उनका कार्यक्रम को थोड़ा सा बिगाड़ रहे हैं। आपने कहा कि सरकार अच्छा कार्य कर रही है और उनके जो मातहत कर्मचारी हैं, ब्लॉक स्तर के कर्मचारी हैं, उनके कार्यक्रम को बिगाड़ रहे हैं या बाधा डाल रहे हैं, तो आखिरकार ऐसा क्यों? छोटे अधिकारियों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश का आक्रोश सरकार का कम है। ऐसा क्यों है? इसलिए कि सरकार क्या क्या देखे, क्या क्या कर सकती है, कहाँ तक पहुँच सकती है, ये तो सरकार को जितना उसका कार्य है वो करती है। जो छोटा अधिकारी है वो बहुत ही अच्छे कार्य नहीं करती। बाबा जी, हम आपसे अगला सवाल ये करेंगे कि भी ये बताएं कि आज जो महंगाई का दौर चल रहा है, गांव की जनता हो या शहर की जनता हो, महंगाई की मार से त्रस्त है, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, और जो भी महंगाई आती है ये यहीं के लोगों के जरिए महंगाई आती है, और सरकार उसमें कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है कि सरकार उसमें महंगाई के उसमें कोई कारण बने। नहीं, आपने कहा कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, यहीं के स्थानीय लोगों के द्वारा महंगाई बढ़ाई जाती है। तो जब सरकार है, सरकार पूरे देश को चला रही है, तो सरकार का कुछ ना कुछ तो जो है जनता के ऊपर असर होना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? सरकार प्राणी अपना घर नहीं चला पा रहा है, सरकार तो सारे देश का चला रही है, सारे देश को देख रही है, और ये जो छोटी जैसे हमारे डीएम हैं या डीएम हैं, ये स्तर के लोग जो हैं बचे हुए हैं, ये अच्छे से पकड़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए महंगाई का दौर बढ़ जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आम महंगाई बढ़ जाएगी, जनता त्रस्त हो जाएगी, तो आखिरकार उसका जीवन कैसे चलेगा, बताएं? उसके विषय में एक ही लोग दोषी नहीं है, उसके विषय में सारे लोगों का दोष साबित होता है, एक लोगों का दोष नहीं, जिससे कि सरकार उसने अपना हस्तक्षेप लगाए ताकि आगे की महंगाई को रोक सके। नाम जानने के साथ में आप करते क्या हैं, बताएं? हमारा नाम है डॉक्टर रामकृष्ण पटेल, अब प्रैक्टिस करते मेडिकल लाइन प्राइवेट। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा?
को बीजेपी से जुड़े हुए, इसलिए हम तो यही कहते हैं कि हमारी सरकार ही रहेगी जो कि मुख्यमंत्री बनेगा। इस सरकार में एक मामला और निकल के आ रहा है कि जैसे बार बार स्टेटमेंट दिए जाते हैं कि गड्ढा मुक्त सड़कें हैं, पर ऐसा अगर ज़मीनी हकीकत में देखा जाए तो गड्ढा मुक्त सड़कें तो नहीं, बाकी गड्ढा युक्त तो सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो सत्य है कि गड्ढा मुक्त सड़कों को जो ऐलान किया जाता है पेपर, टीवी, मीडियो में, ये ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सी सड़कें अभी टूटी फूटी पड़ी, बहुत से रोड कच्चे भी पड़े हुए जो कि आज से अंग्रेजों के ज़माने से भी लोग निकल रहे हैं, और वहाँ पर बरसात जितना पानी बोलता कीचड़ होता है कि छात्र बस्ता लेकर के विद्यालय आना बंद कर देते, उनके आने जाने का एक ही मार्ग है। अब दूसरा सवाल हमारा आपसे ये होगा कि ये बताएं कि शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था पे क्या प्रकाश डालेंगे आप? शिक्षण व्यवस्था में प्रकाश से हम डालना चाहते हैं कि जो शिक्षा की स्थिति रही है कोरोना के वजह से थोड़ा डैमेज हो गए एक साल दो साल से, लेकिन अब धीरे से इस कार्य को भी लाया जा रहा है और आ रहा है सुचारू रूप से शिक्षा का स्तर। डॉक्टर साहब, हमारा आपसे अगला सवाल ये है कि पिछली सरकार में जो इस समय वर्तमान सरकार है, जो जिसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि पिछली सरकार में मेट्रो रेल परियोजना हो उसका शिलान्यास या उसकी जो न्यू डाली गई वो पिछली सरकार ने डाली और इस ये सरकार कैश करा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेट्रो रेल की सुविधा जो सरकार में जो है ये बहुत अच्छी सुविधा है, जिससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी और एक ज़िले से दूसरे ज़िले या एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक लोगों को तुरंत तत्काल जो है साधन मिलता है और लोग जाते हैं सस्ते रेट पर जाते हैं और इससे जनता को बड़ी राहत है। विशेष करके जो सरकार के कर्मचारी हैं वो भी नीचे आवागमन करते हैं। कहा तो ये जा रहा है कि हाईवे योजना या एक्सप्रेस योजना, जो रोड एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उनकी आधारशिला तो पिछली सरकार ने रखी थी और क्रेडिट ये सरकार ले रही है, ऐसा क्यों? इसमें ऐसा है कि पिछली सरकारों ने जो किया था पहले जो है टू लाइन का रोड पे फोर लाइन का दूसरी सरकार ने किया, अभी सरकार ने अपने हिसाब से 6 लाइनों का रोड का जाल बिछा रहे हैं और इससे आज नहीं आने वाले समय में विशेष करके वाहनों के लिए और जनता के लिए सभी के लिए सुरक्षा होगी और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकता है। धन्यवाद सर। ये बताएं कि आखिरकार आपने गड्ढा मुक्त सड़कों के बारे में कहा, इसके पहले जो सरकारें थीं किसी भी पार्टी की रही हों, उन्होंने क्या देश के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया, उन्होंने भी किया, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने थोड़ा कम किया, इन्होंने ज़्यादा कर दिया। जैसे कि पिछली सरकारें भी शौचालय देती थी, एम्बुलेंस गाड़ियाँ भी चलती थी, उन्होंने अगर 4 दिया जिन्होंने 10 कर दिया, इन्होंने बढ़ोतरी कर दिया है, इसलिए जनता को राहत है। और गड्ढा मुक्त सड़कें जो है, कुछ मेन मार्ग जो है वो तो कुछ ठीक है, बाकी कच्चे एहतियात मार्ग जो है और कुछ तैरी मार्ग वो तो अभी बड़े टूटे टूटे हुए पड़े हुए। अपने बयान में आपने ये कहा कि एम्बुलेंस चलाई पिछली सरकारों ने, एम्बुलेंस चलाई, पर एक और जनता के मन में विचार आता है कि आखिरकार जो पिछली सरकार में जो समाजवादी एम्बुलेंस में जो समाजवादी शब्द लिखा हुआ था, इस सरकार ने उस समाजवादी शब्द को हटा दिया, कारण क्या था? समाजवादी का सरकार अपना पूरा एजेंडा लेकर के निकाली थी, लेकिन इन्होंने उसी एम्बुलेंस को जो है सार्वजनिक नंबर दे करके और गांव-गांव जा कर के महिलाओं को जो भी आवश्यकता होती है, पुरुषों को जो भी बीमारी तकलीफ होती, नंबर देने पर और पहुंच जाते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक युवा शॉपकीपर जुड़ चुका है, हम उससे भी बात करेंगे कि आखिरकार 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन होगा, आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले तुम आपका नाम जानेंगे। सर, आलोक सविता, खजुरा निवासी। आलोक जी, ये बताएं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं
उसमें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसे आप चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, ये बताएं। ये तो हमारी पब्लिक के ऊपर, हम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किसको क्या वोट देते हैं और किसको जिसको ज़्यादा बहुमत होगा वही जो है चुना जाएगा। और इसके बाद हम आपसे ये भी जानेंगे कि आखिरकार ये महंगाई बढ़ी तो क्यों बढ़ी, और इस महंगाई के दौर पे आप जैसे दुकानदारों को क्या क्या समस्याएं उठानी पड़ी, ये बताएं। समस्याएं तो हमको काफ़ी उठानी पड़ी हैं, और जब से हमारा नोटबंदी जब से शुरू हुआ है तब से हम लोगों के पास दिक्कत ही दिक्कत हो रही है। और उसके बाद फिर ये कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, पूरा भारत पूरा विश्व बंद रहा, उसमें हम लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हुई हैं और धंधे के ऊपर और व्यवसाय के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है इससे, जिससे हम लोग काफ़ी दिक्कत में हैं। एक चीज़ बताएं आप कि इस सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया है, शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया है, करने के साथ में कितना वो और शिक्षा को आगे ले जाना चाहते हैं, ये भी बता दीजिए। सर शिक्षा के बारे में तो शिक्षा के लिए किया हुआ है, अब ये लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन से जो है शिक्षा पर काफ़ी प्रभाव पड़ा हुआ है, और इसमें ऑनलाइन क्लासेस चालू की गई थी जिसमें जिसपे बच्चे जो है दिमाग तो लगाएंगे पर उतना सोर्स नहीं रहेगा जो होना चाहिए। दूसरी बात एक ही बताएं कि पिछली सरकारों ने मेट्रो रेल परियोजना की नींव रखी और उसका सारा क्रेडिट ये सरकार ले रही है, ऐसा क्यों? एक ऐसे स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का कौन मुखिया बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। बेटा आपका नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो, ये बताएं। हमारा नाम संजीव, हम चकजानपुर के रहने वाले, पोस्ट मिस्सी। मिस्सी, तो ये बताओ बेटा कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसे तिलक लगा देगी जनता उसी बन जाएगा, जहाँ तक राहुल वो सॉरी अखिलेश यादव जहाँ तक बनेंगे भारतीय राजेश की सैंपल ज्यादा हो जाएगी, उर्फ जो कि चंद्रशेखर रामा आने के लिए ऐलान है भागीदारी उसके अखिलेश यादव के साथ में, यहाँ पर की बार अखिलेश यादव का चंद्रशेखर रामा की सरकार बनेगी यादव जी की। तो ये बताओ कि इस दौर में जो महंगाई का समय चल रहा है तो महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। महंगाई है तो क्यों है ये पता नहीं, यहाँ पर अच्छे अच्छे तेल के दाम देख लिए, तेल के दाम कितने महंगे, 200 रुपए के पार है तेल। कौन से तेल की बात कर रहे हैं? करो तेल की बात कर रहे हैं। और ये पेट्रोलियम पदार्थ जो डीजल है इनमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके लिए क्या कहोगे आप? ये उसके लिए कहा किसानों की एक तरफ तो आय दुगनी करने की बात करते हैं, किसानों को दुगनी आय के बाद फिर उसको तेल कह रहे हैं महंगा हो जा के 2012 में जब कह रहे थे कि मतलब कि जब हमारी सरकार आएगी 50 रुपए 30 रुपए डीजल और 50 रुपए पेट्रोल, आज 100 के पार हो गया पेट्रोल देख लीजिए और डीजल 90 के पार हो गया। एक बात और बताओ बेटा कि ये जो गांव में ये जो गैस चूल्हे बांटे गए फ्री में बांटे गए तो क्या गांव की जनता उनको भरवा पा रही है? नहीं भरवा पा रही है। क्यों नहीं भरवा पा रही? इतने महंगा सिलेंडर हो गया, कुछ कहने का है जहाँ पर 600 500 का आ जाए 1000 तक का सिलेंडर हो गया है। आज की जनता की राय के बारे में हमने आपको दिखाया, दिखाने के साथ साथ जो हमारे आज की थीम थी बुजुर्ग, उन बुजुर्गों से मैंने बात किया, उन बुजुर्गों ने वर्तमान सरकार की उपलब्धियों को तो गिनाया पर महंगाई के दौर में महंगाई के सवाल को लेकर के कहीं ना कहीं उनकी बातों से सरकार के प्रति एक नरम आक्रोश भी दिखाई पड़ा। आखिरकार इसके बाद हमने युवा वर्ग से एक शॉपकीपर से भी बात किया तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है कि महंगाई है, गड्ढा मुक्त सड़कों की जगह गड्ढा युक्त सड़कें दिखाई पड़ रही हैं, ऐसा एक बुजुर्ग ने भी हमारे साथ इस बात को शेयर किया। आखिरकार पर 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जो अभी जिन बुजुर्गों से मैंने बात किया उनकी एक ही राय निकल कर आई कि उत्तर प्रदेश के में जो सरकार बनेगी वो योगी की ही सरकार बनेगी। पर एक हमारे साथ एक स्टूडेंट भी जुड़ा, उसने सरकार की कमियों को निखार के रख दिया, अब ये सोचने की बात है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन उत्तर प्रदेश का मुखिया बनेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखने की बात है। कैमरामैन नीरज के साथ अमरदीप त्रिपाठी, प्राइम टीवी फतेहपुर।
2022 के चुनाव के परिणाम अभी से दिखने लगे हैं और सारी पार्टी समस्त पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार चालू कर दिए हैं। अब मौजूदा सरकार इन 5 सालों में कितना सफल हो पाई है जानने की कोशिश करेंगे, आम जनता की राय जानने की कोशिश करेंगे, आखिर वो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र मिश्रा। क्या मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? सरकार संतुष्ट है लेकिन महंगाई से नहीं संतुष्ट। क्या लग रहा है महंगाई बढ़ी है? महंगाई बहुत बढ़ी है भैया, 200 रुपये लीटर तेल बिक रहा है और पेट्रोल 105 रुपये हो गया, अभी 5-10 रुपये गिरा दिया है, तो लाली बात काटाने वाली बात हो रही है। 60 रुपये चुनाव आ गया है, बाकी सरकार भाजपा के पक्ष में विरोध नहीं करते हैं। सपा का भी काम बहुत अच्छा हुआ, जैसे आज सबसे सपा तक घूम रही है, अखिलेश भाई की है। अब चुनाव के टाइम पर हम घोषणे भी जरूर एक बार उसको वोट देना है। हम अखिलेश का भी आकलन करेंगे, भाजपा का योगी मोदी जी का भी देखेंगे, सिर्फ हिंदुत्व से काम नहीं चलने वाला है, सिर्फ हिंदू से ही काम चल जाए, हमारे पेट को भी देखना है। तमाम लोग हैं जिनसे काम नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, इस पर भी सरकार ध्यान दे, इसकी जरूरत है सरकार। तो मेन जो इन्होंने बताया कि प्रमुख मुद्दा महंगाई है, महंगाई की वजह से आज ये सोचने पर विवश है कि आखिर किस पार्टी को वोट देना है। चलिए अन्य लोगों से जानेंगे, राय जानेंगे कि आखिर वो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जितेन शुक्ला। क्या मौजूदा सरकार से संतुष्ट है? नहीं, संतुष्ट तो क्या, देखिए अब हम लोग तो छात्र हैं, जिस तरह से देखा जाए कि कापी किताबें खरीदने जाते थे, रजिस्टर मिलता था 15 रुपये में, वो 30 का हो गया, तो क्या पढ़ने जाएगा, छोड़ दे, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। फीस बढ़ती जा रही, पढ़ाई हो नहीं रही, तो इस तरह से कैसे क्या चलेगा। हमारा खैर अभी वोट जाएगा नहीं क्योंकि है नहीं, फिर भी बड़े बूढ़े लोग हैं हमारे जो अंकल जी लोग हैं, ये क्या बताते हैं इनसे। चलिए, इनका कहना है कि महंगाई बढ़ी है और बीजेपी सरकार में महंगाई की मार कहीं ना कहीं वोटों को भी प्रभावित कर रही है। चलिए अन्य लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर अन्य ऐसी कौन सी बातें हैं और किस तरीके से वो सरकार से संतुष्ट है और अगर नहीं तो क्यों। भाई साहब, क्या नाम है आपका? संतुष्ट नहीं है? यही महंगाई का चक्कर है और भी कई कारण। महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो है, अब 200 रुपये लीटर बिक रहा है, वो भी काम आए तो दाम तो कुछ कम किया था बात सरकार ने, 200 रुपये लीटर वो है तेल, कड़ू तेल जिससे पेट चलता है, तो किसानों को कोई ऐसी सुविधा नहीं दी जा रही कि तेल पैदा किया जाए। अब भाजपा सरकार ने तो बताया था कि तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं और गरीबों का और किसानों के हित में बड़ा काम किया गया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सरकार हम लोगों को गुमराह कर रही है। किसको वोट देना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। चलिए, उन्होंने बताया कि महंगाई जो कड़ुए तेल के दाम बढ़े हैं, बोले कि ये सबसे ज्यादा प्रमुख मुद्दा है महंगाई, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को ये वोट नहीं करना चाहते, समाजवादी पार्टी को ये वोट। मौजूदा सरकार, 5 साल की सरकार, भाजपा सरकार से वो कितना संतुष्ट है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अशोक जी, आप ये बताइए कि मौजूदा सरकार से आप संतुष्ट हैं? हम तो संतुष्ट नहीं। आप संतुष्ट नहीं, किन कारणों से नहीं संतुष्ट? भाई, क्या कोई नौकरी चाकरी नहीं, इतने बच्चे पढ़े लिखे बैठे, पढ़े लिखे अगर मेहनत मजदूरी करके खाना पड़ा, लॉकडाउन अभी लगा दो 3 साल जो भी चला, कोई भी ना कोई राशन पानी, ना कोई पैसा कौड़ी, सफर जी का नाटक बता के रखा हो, गरीबी रहते रहो, बनवा लो कार्ड तो आपको राशन मिलेगा, दुनियादारी, इसलिए संतुष्ट। भाजपा सरकार तो इस समय तमाम योजनाएं चला रही है, क्या चूतिया बना लेंगे सर मसीह। तो आपको क्या लग रहा है कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है। अच्छा, ये पेट्रोल के दाम तो कम कर दिए सरकार? हाँ, पेट्रोल घटा है बस, और घटा है कुछ नहीं बताया। तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? हम तो भाई, हमें तो पार्टी नहीं समझ में आई, क्यों सर, अपना हम मेहनत का कमाना है, खाना है, तो किस पार्टी से संतुष्ट है आप? सपा। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। तो इन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी से ये संतुष्ट है और महंगाई एक मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी, इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि बेरोजगारी इस समय बढ़ चुकी है और ये समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। चलिए जानेंगे अन्य लोगों की राय कि आखिर वो किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे, मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट हैं, अगर नहीं तो क्यों। क्या नाम है भाई साहब? विनोद जी, मौजूदा जो 5 साल की भाजपा सरकार रही है उससे आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट नहीं, किन कारणों से संतुष्ट नहीं? महंगाई हो गई है, महंगाई बढ़ी है, बहुत बढ़ी है। और कोई मुद्दा? महंगाई है मुद्दा है। तो किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को इन्होंने बताया कि वोट करना चाहेंगे। चलिए अन्य लोगों से भी जानेंगे आखिर वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं और किस तरीके से, जैसे इन लोगों ने बताया कि महंगाई और बेरोजगारी बढ़ चुकी है
जो कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगी। चलिए अन्य लोगों की भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो इस बार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे। आइए हमारे साथ विधानसभा में जाने आप लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में किस पार्टी से ये संतुष्ट हैं और जो 5 साल की योगी सरकार रही उससे ये कितने संतुष्ट हैं और अगर नहीं है तो क्यों। क्या नाम है आपका? मौजूदा की जो 5 साल सरकार रही है योगी सरकार उससे आप संतुष्ट हैं? आप संतुष्ट हैं जी। क्या नाम है आपका? शारदा सिंह जी। आप बताइए जो मौजूदा भाजपा सरकार है क्या आपसे संतुष्ट है? वोट वोट भाजपा को ही जाएगा? बिल्कुल जाएगा जी। आप बताइए किसको वोट देना चाहिए? अच्छा भाजपा सरकार को ही देंगे? चलिए लोगों ने बताया कि ये भाजपा सरकार को ही वोट देंगे। आप यहाँ भाई साहब बैठे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर वो मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है। हाँ भाई साहब किसको वोट देना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? जीत बहादुर सिंह। किसको वोट देना चाहेंगे? महंगाई बढ़ी है? महंगाई फर्क नहीं डालती? भाजपा को ही वोट जाएगा? चलो तो भैया ने बताया कि भाजपा को ही वोट जाएगा, महंगाई बढ़ी है तो बढ़ने दीजिए। चलिए इन लोगों से भी जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है, वो क्या कहेंगे और उनका 2022 चुनाव को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है? मौजूदा सरकार भाजपा सरकार से संतुष्ट है? वोट कहाँ जाएगा? भाजपा को वोट जाएगा। चलिए इन्होंने बता दिया कि भाजपा को वोट करेंगे। अन्य लोग भी आ रहे हैं जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा चुनाव में आखिर किसको वोट देना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? रामपाल जी ये बताइए कि मौजूदा जो 5 साल की योगी सरकार रही है संतुष्ट है उससे? संतुष्ट है? महंगाई बढ़ी है? कुछ हो हम जैसे हैं तो मतलब भाजपा को ही वोट देंगे। चलो भाई इन्होंने कह दिया कि हम जैसे हैं वैसे ही हैं, भाजपा को ही वोट देंगे। चलिए अब इनसे भी और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे भाजपा सरकार को ही वोट देंगे या फिर और भी अन्य पार्टियों को वोट देंगे, जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक यहाँ बगल में भाई साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आखिर वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं। क्या समाजवादी पार्टी के सरताज होगा या बसपा के सरताज होगा या भारतीय जनता पार्टी पुनः इस बार अपना परचम लहराएगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? इस बार किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? वोट तो अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे चुनाव नज़दीक आ रहा है कैसा क्या है। भाजपा से भी मुझे बहुत ज़्यादा कोई नाखुशी नहीं है लेकिन भाजपा की जो महंगाई की व्यवस्था है ये थोड़ा सा गड़बड़ है। महंगाई बढ़ी? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पेट्रोल के दाम बढ़े क्या? अरे वो तो 10 रुपये कम कर दिया लाली पाद जैसा चूसने के लिए बता रहे हैं हम लोगों से। चूस लो 10 रुपये में क्या होता, पहले बढ़ा दिया 10 रुपये घटा दिया क्या मतलब बनता है? अरे वो 60-70 रुपये ले आओ डीजल ले आओ जैसे पहले था कांग्रेस के समय में। तो महंगाई ये पेट्रोल 10 रुपये कोई माने नहीं रखता है। अरे स्वास्थ्य सेवाएं कुछ बेहतर हुई बात सरकार में? नहीं स्वास्थ्य ऊपर से जो भाजपा का शासन है वो तो ठीक है लेकिन जो नीचे जिनके माधात लोग जो कार्य करते हैं ये बिल्कुल निरंकुश हैं। इनके ऊपर योगी जी का कोई वो नहीं है। योगी जी अपना सिर्फ चिल्लाया करते हैं लेकिन यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाता है। जैसे आप जिला अस्पताल ले लीजिए, हम इस समय जिला अस्पताल में आए हुए हैं, अभी हमको 2 लोग यहाँ मिले हैं जिनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। ठीक वो बेचारे हमारे हमारे घूम रहे हैं, पैर से विकलांग हैं, 400-500 रुपये कमाते हैं, यहाँ डॉक्टर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। कोई बता रहा है हमें धक्का देकर निकाल दिया है, कोई बता रहा है यहाँ से निकाल दिया है, अभी मैंने किसी से सिफारत भी किया है भैया देखो इनको जरा जो है। ये सब दिक्कतें आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं से संतुष्ट नहीं है और महंगाई भी आप बता रहे हैं कि बढ़ी हुई है। नहीं नीचे के कर्मचारी हैं वो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हुए हैं। तो आखिर किसको वोट देना चाहेंगे? और तो अभी नहीं हम डिसाइड कर पाए हैं क्योंकि सपा का भी पूर्व शासनकाल बहुत अच्छा रहा है। किन्हीं कारणों से सरकार चली गई थी वो अलग का विषय है। अच्छी अच्छी रोड है हमारे यहाँ, चाहे लखनऊ कानपुर राजमार्ग हो या हाईवे हो, ठीक है सब अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन जो है अभी सपोर्ट किसको देना है ये भी नहीं, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा हम लोग विचार करेंगे उसके कैसा क्या है, अभी इसके लिए नहीं डिसाइड हो पाएगा। चलिए धर्मेंद्र मिश्रा जी ने बताया कि इस समय महंगाई भी बढ़ी और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी बताया कि योगी जी तो ठीक है लेकिन मानदाहत जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय लापरवाही कर रहे हैं। चलिए अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए जानने की कोशिश करें किसको वोट करना चाहेंगे। भैया भाजपा संतुष्ट है? भाजपा ठीक है? महंगाई बढ़ी है? हाँ महंगाई है, महंगाई बढ़ी है। अभी संतुष्ट है भाजपा? किसको वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहते हैं। पहले तो भाजपा बता रहे थे हम बहुत ज्यादा कपड़े में करके काम पहले चल रहे थे। अखिलेश ही नहीं, अखिलेश यादव तुम्हारे लिए तो सरकार तुम्हारे लिए बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट करना चाहेंगे।
चलिए एक दो अन्य लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं अगर किस पार्टी को वोट करना चाहें चुनाव में, और अगर उनको वोट देना चाहेंगे तो क्यों? ऐसा क्या नाम है आपका? विक्रम। विक्रम जी बताएंगे किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे? अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं, उनको समय आने पर बताया जाएगा। महंगाई बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। स्वास्थ्य सेवाएं ठीक चल रही है? बिल्कुल चल रही है। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर है? बेहतर है, लेकिन महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी हुई है। तो किस पार्टी को वोट करना चाहेंगे भाई? अभी तो कुछ नहीं बता सकते इस बारे में, ये तो समय आने पर, क्योंकि अभी हमारी जो है बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और योगी जी से बात करवा विष्णु मेहता भी पहुँचे थे, सबंदा सफाई कर्मचारियों के हित की बात हुई थी और उनको स्थायी प्रमाण कर देने की मांग डिमांड की गई थी। तो योगी जी ने बोला है विचार विमर्श करने के लिए, अगर वो इस बारे में कुछ सोचते हैं तो जो जो धार्मिक समाज है वाल्मीक समाज है वोट जरूर देंगे, अन्यथा फिर उनको समय आने पर देखा जाए। तो मतलब अभी खुल के नहीं बताना चाह रहे हैं किसको किसको वोट देना चाहिए? खुल के नहीं बता सकते। चलिए भाई, इन्होंने तो कह दिया कि आने वाले समय ही बताएगा कि हम किसको वोट देंगे। चलिए अब कोशिश करते हैं अन्य एक दो लोगों और जो एक दो लोगों से जानेंगे या फिर उनके पार्टी का वोट किस तरफ जाएगा। अगर दो हो जाएगा अन्य पार्टी हो जाएगा तो क्यों जाएगा? राजनीति जी बताइए कि विधानसभा चुनाव आने वाला है 2022 का, तो वोट कहाँ जाएगा आपका? कई के पास जाइए, कौन विधायक के पास जाएगा, किस पार्टी को जाएगा? पार्टी का नाम पता है? इनको पार्टी का नाम नहीं पता है, उन्होंने कहा कि जो है वोट जाएगा लेकिन पार्टी तो नहीं, पार्टी चुनाव। जाना कि जनता का क्या मूड है और किसकी सरकार आने वाली है, लेकिन ये तो जनता का मूड है और आगे कुछ भी हो सकता है, कई बदलाव हो सकते हैं और ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि इसमें क्या बदलाव होने वाला है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी।